गाइस आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए रॉबर्ट के जिम फाइट सीन का रिएक्शन। एंड लाइक पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि लाइक हमने पहले क्लाइमेक्स सीन कर लिया उसके बाद जिम फाइट कर रहे, क्योंकि लोगों ने कमेंट जो है भर दिए इससे। और लाइक वो दोनों जो हमने इंटरवल सीन किया था और रॉबर्ट का जो क्लाइमेक्स सीन किया था, उस दोनों के अंदर यही था कि हमने जिम फाइट कैसे नहीं देखा, वो बहुत ज़बरदस्त है। एंड लाइक उसमें ऐसा ही था ट्रांसफॉर्मेशन सीन में कि लाइक हमने प्लॉट देखा था और थोड़ा समझा था और उसके बाद वो क्लाइमेक्स सीन देख लिया, तो हमें जिम फाइट का कुछ पता नहीं था। देखते फिर ये कैसा होता है। यस, ये मूवी का सीन देखने के लिए तो मैं ऑलरेडी काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बिकॉज अब तक इसके हमने दो सीन देखे इंटरवल एंड क्लाइमेक्स, एंड उसमें इनकी एक्टिंग एंड जो भी सब स्टोरी प्लॉट जो भी था, इतना मजा आया था देख के, इनकी एक्टिंग देख के किस तरीके से ये अपना बार बार रूप बदल रहे थे, और काफी इंटरेस्टिंग सीन लगे थे वो दोनों। और अब ये जिम फाइट सीन है, तो वैसे दोनों सीन में अब तक फाइटिंग ही देखे, बट ये जिम के अंदर होने वाले थे तो होश लग रहा है कि कुछ तो डिफरेंट होगा, बिकॉज जिम के अंदर काफी सारे हैवी चीजें भी होती है, तो देखते किस सीन में क्या होना है। वही प्योर एंटरटेनमेंट सीन से दोनों के दोनों, लाइक इंटरवल में किस तरीके से वो रावण वाला माहौल बना देना, और वही क्लाइमेक्स में वो ट्रांसफॉर्म करते रहना। अब देखते जिम में कैसा होता है, क्योंकि लोगों की बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन देती है, और कैसा होता है आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या भाई, क्या क्या बॉडी है। ಏನಾಯ್ತು ಬಾಬೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಿ ಏನಾಯ್ತು? ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಕೇಳಿಸದೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೆಲ್ಸದವ್ರಿಗೆ ಟೀ ಕೊಡಕ್ ಬರೋ ನೀನು, ಟೀ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಟೀ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹುಡುಗಿರ್ ಜೊತೆ ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತೀಯಲ್ಲ? ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ ಹರಟೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಮೇಟ್ಸ್, ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಜನ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋತಿಲ್ಲ, ಲೇಡೀಸ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ? ಖಾಲಿ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋತೀನಿ. ಹಂಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನು ಲೇಡೀಸ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಯ್ತು, ನಾಳೆಯಿಂದ ಲೇಡೀಸ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಪಕ್ಕನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? ಲೇಯ್, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಅರ್ಹತೆ ನಿನಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ತೋರ್ಸು. ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ ನಿನ್ಗೆ? ये बात तो कोई भी मारने जाएंगे, और वो जाएंगे ही जिम में। ಏನೋ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ನಿನ್ಗೆ? ಧೈರ್ಯ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ ಬರೋದು. ಯಾರಪ್ಪ ಅದು? ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಗಂಡ್ಸು. ಇವನ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಇವನ್ ಗಂಡ್ಸ ಹೆಂಗ್ಸ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದವರು ನಾವೇ ಗುರು. ಆದ್ರು ಅವನ್ ಗಂಡ್ಸ ಹೆಂಗ್ಸ ಅಂತ ಕೊನೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಹಿ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟ. ಅದನ್ ಗೊತ್ ಮಾಡಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಈಗ ನಾನ್ ಬಂದಿರೋದು? ಲೇಯ್, ನಾವ್ ನೋಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್, ವಾರ್ ಗಿಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾಸು. ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಗಲತ್ ಜಗ ಜಾ ರೇ ಹೇ ತೋರ್ಸೋ, ಇಸ್ಸೆ ಮುಖ ಪಡೋ ಹೇ. ಓ ಸಹಿ ಹೇ, ನಿಕಲೇ ಕಾ ಬೋ ಮಾರೇಂಗೆ. ಇನ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಬಂದ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ये म्यूजिक पूरा सेट रहता है। ओह आ रहे जिम के, वो क्या निकाला?
उसकी कोई शर्ट का कोई पार्ट निकल, पूरी शर्ट उनको दिखाया है, जो वो दूसरों के साथ कर रहे थे वही चीज उनके साथ की। तो ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। ऐसी तैसी फिर सब लोगों को, हाँ अब उनको रियलाइज हो रहा है ना कैसा लगा उनको। मान मर्यादे अंत बंद्रे ಅದು ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಗಂಡಸ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರ ಇವ್ರುಗಳಿಗೂ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾನ ತೆಗೆದು ಮಜಾ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಕಣ ಗಂಡಸ್ತನ. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೂ ಸರಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಗಂಡಸು. तो काले नीनु मास आद्रे नाना मास के लाने डायलॉग तो बोल के जाना ही था। मास टोटल मास टोटल मास ही था। बहुत मजा आया देख के, जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई, जिस तरीके से एग्जिट हुई, एंड जो मारा पीटी की गई, जो वो कपड़े उतारे ना वो एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरे को तो मारेंगे पीटेंगे और लास्ट में सिखा के देंगे, जो बात थी वो चीज़ था, बट वो कपड़े उतारने वाला था एक्सपेक्टेड नहीं सबके भाई। और मेरे को जब ऐसे स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले का किया, मेरे को लगा उसकी शर्ट से कोई या तो उसकी चेन निकाली या कुछ निकाला, तब मैंने पूछा क्या निकाला, और फिर देखा था भाई साहब को पूरा नंगा ही कर छोड़ा, और फिर बाकी सबको किया और उनको फिर वैसे बिठाया और समझाया कि भाई दोनों के लिए शर्म जो होती है वो सेम ही होती है, लड़के के लिए भी लड़के के लिए भी, तो आप ऐसे ऑनर किसी का बिगाड़ नहीं सकते। तो बहुत सही था और फाइट भी बहुत कमाल के दिया, एंड लाइक वो जिस तरीके से उनको डिस्क्राइब की उसके बाद जैसे उन्होंने अटैक किया उनके ऊपर, बहुत मजा आया। यस, जिस रीजन से वो खुद सुसाइड करने गए थे वही रीजन लेके उन्होंने फाइट करी, एंड उनको भी उसी पूरी सिचुएशन में डाल दिया सबको, एंड वो सब फिर इतने शर्मिंदा हो गए थे। एंड जब वो वापस से आए ना, जब उन्होंने कमबैक किया उनके साथ, तो वो इट वॉज लाइक ये फिर आ गया, एंड वो फिर तब भी उसने मारने जा रहे थे, बट जो फिर उसने मुक्का मारा पहला मुक्का जो वो लिटरली एक मुक्के से गिर गया, मतलब उसकी बॉडी देख के लग नहीं रहा था कि इसे मुक्के का फर्क पड़ेगा, बट उन्होंने इतनी जोर से मुक्का मारा वो गिर गया लिटरली। एंड जब बीच में फाइट हो रही थी इतने सारे हैवी वेपन्स थे, मुझे देख के मैं लिटरली मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार ये अगर किसी के सर पे या कहीं पे भी लग गई क्या होगा उस इंसान का, और वही हुआ, उसी सब वेपन्स को लेके ही फाइट हुई है, एंड काफी देखने में मजा आया। एंड लास्ट में जो उन्होंने बोला, उन्हें समझाया, जो भी आप बोल रहे थे कि यू नो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, जो ओनर की बात है, तो वो भी एक अच्छा मैसेज देके गए, तो काफी अच्छा सीन लगा। और एंड में फिर वो डी बॉस की वॉक, वो चलते जा रहे हैं ऐसे करते हो, बहुत मस्त आया। लाइक वो डायरेक्टर ने भी समझ लिया था, लाइक एडिटर ने खास कर वो उनको मस्त लाइट में रखा और बाकी सबको एक थोड़ा येलो इस लाइट में डाल दिया, तो मस्त उनको हाईलाइट में आया, तो बहुत सही सीन लगा। आप लोग कैसा लगा जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।